हम जन्मते हैं, पता नहीं क्यों कौन सी अज्ञात शक्ति हमें जीवन में लाती है। हम जीते भी हैं, पता नहीं क्यों हम एक दिन मर भी जाते हैं, और शायद यह चक्र अनंत बार घूम चुका है और हमें कोई भी पता नहीं कि क्यों। आगे ओशो ने बताया कि जगत एक रहस्य है, एक ऐसा शास्त्र जो पढ़ा नहीं जा सकता, और जो दावा करते हैं जानने का, उनसे बड़े अज्ञानी इस दुनिया में दूसरे नहीं हैं। और जिनकी समझ में यह आ जाता है कि हम एक अज्ञात, अपरिसीम, अव्याख्य शक्ति की तरंगे हैं, ना जिनके प्रारंभ का कोई पता है, न जिनके अंत की कोई खबर है, वे ही थोड़े से लोग अपने भीतर अचानक पाते हैं, जैसे चुंबक बन गए हों। शक्ति है जो तुम्हारे भीतर है और मेरे भीतर है, न मैं उसका नाम जानता हूं, न तुम उसका नाम जानती हो, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वह अज्ञात है और बेनाम है। और तुम्हें अभी भी यह भ्रम है कि शायद किसी दिन तुम उसे पहचान लोगे, उसके नाम को जान लोगे। जिस दिन यह भ्रम टूट जाएगा, उस दिन तुम भी एक अपूर्व आकर्षण और चुंबक का केंद्र बन जाओगे। तुम्हारे भीतर भी वह कशिश होगी, तुम्हारे शब्दों में भी वही अधिकार होगा, क्योंकि तब तुम नहीं बोलते, तक तुम्हारा गीत नहीं है, तब तो तुम सिर्फ बांस की पोली पोंगरी हो, ओंठ किसी और के हैं और गीत किसी और का है। तुम्हारा धन्य भाग इतना कि तुम उस गीत को अपने भीतर से प्रवाहित होने देते हो, और यह प्रवाह इस जगत का सबसे बड़ा आनंद है। ज्ञान की खोज मत करो, आनंद की खोज करो। आनंद है जो तुम्हें खींचता है मेरी ओर, मेरा मिट जाना है जो खींचता है तुम्हें मेरी ओर, और मिट कर ही तुम आनंद को पा सकते हो। हम सब नामों से चिपके हैं, झूठे नाम। पैदा हुए थे तो साथ में न कोई आइडेंटिटी कार्ड था, न कोई नाम की छोटी सी स्लिप थी। अज्ञात तुम आए थे, नाम तो हमने चिपका दिए हैं, लेबल हैं जो हम पर लगा दिए हैं, और जिस दिन तुम जाओगे उस दिन उन लेबलों को हम अलग कर लेंगे, क्योंकि फिर तुम अज्ञात में प्रवेश कर रहे हो। लेकिन इन दो अज्ञातों के बीच में भी जो था वह भी अज्ञात था। नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान, उपाधियां, वे सब चिपकाई हुई बातें थीं जो सब उखड़ जाएंगी। मैंने उस रस को छका है, और तुम्हारे भीतर भी उस रस को छकने की जन्मों जन्मों से प्यास है। वही प्यास तुम्हें खींच लाती है तुम्हारे बावजूद, क्योंकि खतरा है अज्ञेय में प्रवेश का। झात से तो आदमी संतुष्ट होता है, जानता है, पहचानता है, अज्ञात से भी इतना डर नहीं लगता, आज नहीं कल जान लेंगे। लेकिन अज्ञेय, वहां तो सिर्फ खो जाना है। इस अज्ञेय को हमने देकर बड़ी भूलें की। किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने खुदा, और किसी ने परमात्मा, और किसी ने यहोवा, और हजार हजार नाम हमने दिए जो सब झूठे नाम हैं। हम उसे जानते ही नहीं, जान सकते भी नहीं, लेकिन जी सकते हैं, जी रहे हैं। वह हमारी सांस सांस में है, हमारी आंखों की झलक झलक में है। जानने की यात्रा के लिए मेरा आमंत्रण नहीं है, मेरा आमंत्रण है होने की यात्रा के लिए। वही तुम्हें खींच लाता है, वही तुम्हारे लिए आकर्षण है। मैं तुम्हें ज्ञानी नहीं बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम उतने निर्दोष हो जाओ जितने निर्दोष जन्म के पहले क्षण में थे। आंखें खुली थीं, सब दिखाई पड़ता था, लेकिन कोई नाम न था, कोई शब्द न था, ध्वनि भी नहीं हो सकती, तो कौन था जो सबसे पहले था? उपनिषद। उपनिषद बहुत ईमानदार हैं। उपनिषदों से ज्यादा ईमानदार किताबें इस जमीन पर दूसरी नहीं है। उपनिषद कहते हैं वह कौन था जो पहले था, किसी को भी कोई पता नहीं है। कैसे हो सकता है पता? वह कौन था जो था, उसका कोई भी तो साक्षी नहीं है। और कौन है जो अंत में रह जाएगा, उसका भी कोई साक्षी नहीं है। और अगर प्रारंभ में अज्ञेय है और अंत में अज्ञेय है, तो बीच में भी अज्ञेय ही है। तुम्हारे सब नाम धाम झूठ हैं, तुम्हारी जाति, तुम्हारे धर्म, तुम्हारी दीवारें झूठी हैं, तुम्हारे राष्ट्र और तुम्हारे सारे भेद झूठे हैं। ध्यान एकमात्र प्रक्रिया है उस अज्ञेय में उतर जाने की, जहां तुम अचानक मौन हो जाते हो, क्योंकि जो तुम देखते हो उसको कोई भी शब्द नहीं दिया जा सकता, और उस अज्ञेय से ही आकर्षण पैदा होता है। तुम्हें न मालूम कि हजारों लोग बुद्ध के पास मधुमक्खियों की तरह चले आए, न कोई विज्ञापन था, न कोई खबर थी, लेकिन जब फूल खिलते हैं तब मधुमक्खियों को पता चल ही जाता है। इतना मैं तुमसे कह सकता हूं कि मैंने अपने भीतर झांका है और उस शून्य को अनुभव किया है जिसका कोई नाम नहीं है, कोई धर्म नहीं है। वही है तुम्हारा आकर्षण, और ईश्वर करे कि तुम भी उसको भीतर अपने जान लो।
जितने ज्यादा लोग जान लें, जितने ज्यादा फूल खिलें, उतनी करोड़ों मधुमक्खियों के जीवन में बाहर आ जाए। एक ऐसा अनवरत सिलसिला जिसे किसी साव या मकसद की हमेशा जरूरत होती है, जिसे हर हाल में मंजिल की तलाश होती और मंजिल को पाना ही लक्ष्य। यूं तो यात्रा का अर्थ बहुत गहरा है, मगर जब यह यात्रा एक धारा बनकर बहती है तो अनायास ही वह अपने उद्गम की ओर आने को उत्सुक रहती है। यही उत्सुकता धारा को राधा बना देती है। आगे ओशो ने कहा, राधा कोई एक किसी ग्वाले कृष्ण की एक सुंदर सी प्रेयसी का नाम नहीं, ना ही वो केवल वृषभान की दुलारी कन्या है, बल्कि वह तो अनवरत हर कृष्ण अर्थात ईश्वर के प्रत्येक अंश अंश से मिलने को आतुर रहने वाली, हर उस आध्यात्मिक शक्ति के रूप में बहने वाली धारा का नाम है जो भौतिकता के नश्वरवाद से आध्यात्मिक चेतना की ओर बहती है। उसमें एकात्म हो जाने, बस यहीं से शुरू होती है किसी के भी राधा हो जाने की यात्रा। इसी राधा होते जाने की प्रक्रिया को ओशो अपने प्रवचनों में कुछ यूं सुनाते हैं। पुराने शास्त्रों में राधा का कोई जिक्र नहीं, वहां गोपियां हैं, सखियां हैं, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और रास की लीला होती है। राधा का नाम पुराने शास्त्रों में नहीं है, बस इतना सा जिक्र है कि सारी सखियों में कोई एक थी जो छाया की तरह साथ रहती थी। यह तो महज 700 वर्ष पहले राधा नाम प्रकट हुआ, उस नाम के गीत गाए जाने लगे, राधा और कृष्ण को व्यक्ति के रूप में प्रस्थापित किया गया। इस नाम की खोज में बहुत बड़ा गणित छिपा है। राधा शब्द बनता है धारा शब्द को उलटा कर देने से। गंगोत्री से गंगा की धारा निकलती है, स्रोत से दूर जाने वाली अवस्था का नाम धारा है, और धारा शब्द को उलटा देने से राधा हुआ, जिसका अर्थ है स्रोत की तरफ लौट जाना। गंगा वापस लौटती है गंगोत्री की तरफ, बहिर्मुखता अंतर्मुखता बनती है। ओशो जिस यात्रा की बात करते हैं वह अपने अंतर में लौट जाने की बात करते हैं। एक यात्रा धारामय होने की होती है और एक यात्रा राधामय होने की। यूं तो विद्वानों ने राधा शब्द और राधा के अस्तित्व तथा राधा की ब्रज व कृष्ण के जीवन में उपस्थिति को लेकर अपने नजरिए से आध्यात्मिक विश्लेषण तो किया ही है, मगर लोक जीवन में आध्यात्म को सहजता से पाना काफी मुश्किल होता है। दर्शन यूं भी भक्ति जैसी तरलता और सरलता नहीं पा सकता, इसीलिए राधा भले ही ईश्वर की आध्यात्मिक चेतना में धारा की भांति बहती हों, मगर आज भी उनके भौतिक लौकिक स्वरूप पर कोई बहस नहीं की जा सकती। ज्ञान हमेशा से ही भक्ति से ऊपर का पायदान रहा है, इसीलिए जो सबसे पहला पायदान है भक्ति का, वह आमजन के बेहद करीब रहता है, और राधा को आध्यात्मिक शक्ति से ज्यादा कृष्ण की प्रेयसी मान और उनकी अंतर सखी मान, उन्हें किसी भी एक सखी में प्रस्थापित कर उन्हें अपना सा जानता है। ये भी तो ईश्वर की ओर जाने की धारा ही है, बस रास्ता थोड़ा लौकिक है, सरल है। ब्रज में समाई हुई राधा कृष्ण के नाम से पहले लगाया हुआ मात्र एक नाम भर नहीं है, और ना ही राधा मात्र एक प्रेम स्तंभ है जिनकी कल्पना किसी कदंब के नीचे कृष्ण के संग की जाती है। भक्ति के रास्ते ही सही राधा फिर भी कृष्ण के ही साथ जुड़ा हुआ एक आध्यात्मिक पृष्ठ है, जहां द्वैत अद्वैत का मिलन है। राधा एक संपूर्ण काल का उद्गम है जो कृष्ण रूपी समुद्र से मिलती है। समाज में प्रेम को स्थापित करने के लिए इसे ईश्वर से जोड़कर देखा गया और समाज को वैमनस्यता से प्रेम की ओर ले जाने का सहज उपाय समझा गया। इसीलिए श्री कृष्ण के जीवन में राधा प्रेम की मूर्ति बनकर आई। हो सकता है कि राधा का कृष्ण से ये संबंध शास्त्रों में ना हो, मगर लोक जीवन में प्रेम को पिरोने का सहज उपाय बन गया, और इस तरह जिस प्रेम को कोई नाप नहीं सका उसकी आधारशिला राधा ने ही रखी थी। राधा की लौकिक कथाएं बताती हैं कि प्रेम कभी भी शरीर की अवधारणा में नहीं सिमट सकता। प्रेम वह अनुभूति है जिसमें साथ का एहसास निरंतर होता है। न उम्र, न जाति, न ऊंच नीच, प्रेम हर बंधनों से परे एक आत्मशक्ति है जहां सब कुछ हो सकता है। यदि हम कृष्ण और राधा को हर जगह आत्मिक रूप से उपस्थित पाते हैं तो आत्मिक प्यार की ऊंचाई और गहराई को समझना होगा। कृष्ण इसीलिए हमारे इतने करीब हैं कि उन्हें सिर्फ ईश्वर ही नहीं बना दिया, उन्हें लड्डू गोपाल के रूप में लाड़ भी लड़ाया है, तो वहीं राधा के संग झूला भी झुलाया है और रास भी रचाया है। जब कृष्ण जननायक हैं तो भला राधा
हम में से ही एक क्यों ना मान ली जाए जो सारे आध्यात्मिक तर्कों से परे हों, फिर चाहे वो आत्मा की गंगोत्री से धारा बनकर वापस कृष्ण में समाने को राधा बने और अपनी यात्रा का पड़ाव पालें, या फिर बरसाने वाली राधा प्यारी। संदेश तो एक ही है ना दोनों का, कि प्रेम में इतना रम जाया जाए कि ईश्वर तक पहुंचने को यात्रा कोई भी हो उसकी हर धारा राधा बन जाए, एकात्म हो जाए। अलकनंदा,